अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कूलिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। बहुत सारा टेक्नीशियन का सवाल रहता जो इन्वर्टर एसी है, ये ठीक है स्मार्ट इन्वर्टर एसी है एलजी का। बहुत सारा टेक्नीशियन का सवाल रहता कि जिसमें हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो एसी रहता है या डीसी रहता है। तो इसको भी हम लाइव दिखाएंगे और इसमें टोटल आपको बताएंगे कि एसी रहता है या डीसी रहता है फाइन मोटर और कंप्रेसर दोनों को का, ठीक है। ये इन्वर्टर एसी है, फ्लोर स्टैंडिंग है, सेमी इन्वर्टर, ठीक है, जो 410 मॉडल है। और इसका जो कंप्रेसर रहता है, कंप्रेसर डिटेल्स में आपको मालूम चलेगा ये एसी रहता है या डीसी रहता है। तो हमेशा याद रखिए जो इन्वर्टर रहता है वो डीसी होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फेज DC 380 वोल्ट आता है, जो इसमें सप्लाई आता है 380 वोल्ट होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ डीसी मोटर, जो मतलब जो इसका वेंडिंग है जो कंप्रेसर का वो डीसी है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ कंप्रेसर फॉर एसी, ये एसी है कंप्रेसर, इसलिए ऐसा लिख रहा है। लेकिन ये जो 3 फेज DC 380 वोल्ट है तो सेम एसी है। कंडेंसर फाइन मोटर जो यहाँ दिख रहा है ए बी डी सी होता है, इसमें 380 वोल्ट जाता है। मतलब कंप्रेसर और कंडेंसर फाइन मोटर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है डीसी, ठीक है। इसमें एसी नहीं होता है, एसी को डीसी सप्लाई के चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, देखिए यहाँ पर पीसीबी लगा हुआ है। ये पीसीबी जो है यहाँ पर दिख रहा है सारा, जो यहाँ पर से सिस्टम जो एसी सप्लाई आता है, यहाँ पर जो एसी सप्लाई आ रहा, यहाँ पर जो एसी सप्लाई आ रहा, इसको वो डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में चेंज करता है पीसीबी, और डीसी सप्लाई करता है 380 वोल्ट सप्लाई करता है। कितना वोल्ट सप्लाई करता है, 380 वोल्ट। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ 3 फेज DC मोटर 380 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर मोनोग्राम में लिख दिया 30 DC मोटर, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया है कि आप जो इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर हो या कंडेंसर फाइन मोटर हो वो डीसी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब डीसी मोटर रहता कंडेंसर फाइन मोटर का भी, और इसका क्योंकि ये वेरिएबल करता है सेम से VAFD का तरह, इसका फंक्शन होता है स्पीड के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से स्पीड मेंटेन करता है, वही हिसाब से कंप्रेसर वर्क करता है। जब कंप्रेसर को कम रहेगा जरूरत अंदर कूलिंग का तो कंप्रेसर स्लो चलेगा, जब ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा चलेगा, ठीक है। देखिए जैसे अभी कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ पर कंडेंसर फाइन मोटर अभी रन करना शुरू करेगा। इसमें एरर आ रहा था CS-35, उसी को हम फॉल्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। सेम वेरिएबल है, डीसी मोटर है,